हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में कत्ल की एक ऐसी हॉरर स्टोरी सामने आई है जिसने दो सनसनीखेज मर्डर हैं और जहरीली साजिश भी। एक कारोबारी ने पूरी प्लानिंग के तहत एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिससे देखकर सुनकर भी किसी को यकीन नहीं हो सकेगा। दिल्ली में एक शख्स ने अपने पूरे ससुराल को खाने में जहर मिलाकर खिलाया, जिसके बाद उसकी सास और साली की मौत हो गई। पत्नी अस्पताल में कोमा में है। ससुर पर जहर का ऐसा असर हुआ कि पूरा चेहरा ही बदल गया। कत्ल की प्लानिंग 31 जनवरी की है, लेकिन पहली मौत 16 मार्च को हुई। मामला दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश का है, जहां पर कारोबारी वरुण अरोड़ा ने अपने ससुराल वालों को मौत के घाट उतारने की पूरी प्लानिंग की। इसके लिए उसने थैलियम जहर का भी इस्तेमाल किया। 31 जनवरी को वरुण ने अपनी सास, ससुर और साली को खाने में बुलाया और फिर मछली में थैलियम जहर मिला दिया, सबको खिला दिया और मौके पर तबीयत का बहाना बनाकर खुद मछली नहीं खाई। जहर खाने के कुछ ही दिन बाद से उसके सिम्टम्स भी दिखाई देने शुरू हुए, बाल झड़ने लगे। धीरे धीरे ससुराल वाले मौत के मुहाने पर पहुंच गए। पहली मौत 16 मार्च को वरुण की साली प्रियंका की हुई, जबकि 5 दिन बाद 21 मार्च को सास अनीता ने दम तोड़ दिया। वरुण की पत्नी दिव्या कोमा में है। 31 जनवरी को दोपहर 3 बजे का वक्त था जब वरुण अरोड़ा अपनी पत्नी के घर यानी कि दिव्या के घर पर इंद्रपुरी इलाके के EC3 घर में आया। फर्स्ट फ्लोर पर ये घर है और जब वरुण यहाँ पर पहुँचा, उसने अपनी पत्नी दिव्या को बताया कि वो अपने साथ कुछ मछली बनाकर लाया है, बहुत स्वाद मछली है और वो अपने ससुराल वालों को खिलाना चाहता है। जिसके बाद जब वरुण यहाँ पर पहुँचा तो दिव्या ने वो मछली अपने माता पिता यानी कि देवेंद्र शर्मा और अपनी माँ अनीता शर्मा को परोसी। उन दोनों ने मछली खाई। हालांकि देवेंद्र शर्मा ने मछली का सेवन कम मात्रा में किया, लेकिन वरुण उसके बाद भी यहां से नहीं गया। वरुण जिस इरादे से आया था, जब 5:30 बजे प्रियंका घर पर पहुंची, प्रियंका जो कि दिव्या की छोटी बहन है, जब वो यहां पर पहुंची तब उसने भी वो मछली खाई। प्रियंका ने मछली का सेवन ज़्यादा मात्रा में किया जिसके चलते उसकी बॉडी में थैलियम जहर काफ़ी मात्रा में हो गया। वरुण उस मछली में थैलियम जहर मिला के लाया था जो कि स्लो पॉइजन का जिसने काम किया। उस स्लो पॉइजन के चलते पूरे परिवार वालों में यानी कि देवेंद्र शर्मा, अनीता शर्मा, दिव्या और प्रियंका, इन सबकी बॉडी में उस जहर ने असर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी बॉडी में पेन होने लगा, उनके बाल झड़ने लगे, लेकिन जब ये जहर की मात्रा जो है उनकी बॉडी में ज़्यादा इफेक्ट करने लगी तो 16 फरवरी को प्रियंका ने दम तोड़ दिया। प्रियंका की मौत हो गई, जिसके बाद अनीता शर्मा की भी हालत ख़राब होने लगी। दिव्या शर्मा की बॉडी में भी इस पॉइजन का असर होने लगा और देवेंद्र शर्मा पर भी इस जहर का असर होने लगा और इन सब ने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उनकी बॉडी में डिटेक्ट नहीं हो पाया कि आखिर उनकी बॉडी में क्या है, किस वजह से उनकी बॉडी में इस तरीके का रिएक्शन हो रहा है, आखिर क्या उनकी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब ये पता चला, डॉक्टर्स ने जहर का टेस्ट किया, तब पता चला कि उनकी बॉडी में थैलियम है। थैलियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई गई है और उसका इलाज बाद में शुरू किया गया। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि प्रियंका की 16 फरवरी को थैलियम की वजह से मौत हो गई और 2 दिन पहले यानी कि 21 मार्च को अनीता शर्मा जो कि देवेंद्र शर्मा की पत्नी है, उनकी भी मौत हो गई। और अभी फिलहाल दिव्या जो कि आरोपी वरुण अरोड़ा की पत्नी है, वो इस वक्त कोमा में है। पिछले 22 दिन से वो अस्पताल में भर्ती हैं। देवेंद्र शर्मा ने कम मात्रा में उस मछली का सेवन किया था जिसकी वजह से उनकी बॉडी में थैलियम की मात्रा कम है, लेकिन अभी भी उनकी बॉडी में कई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स उस जहर के देखने को मिल रहे हैं। उनके बाल झड़ रहे हैं, उनकी बॉडी में पेन हो रहा है, लेकिन फिलहाल उनका दवाइयाँ चल रही हैं, पूरा इलाज चल रहा है, जिसके चलते अभी फ़िलहाल वो कुछ बेहतर स्थिति में है। लेकिन उनका कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, क्योंकि फिलहाल पुलिस ने वरुण को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन देवेंद्र शर्मा ने वरुण और उनकी मां पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि किस तरीके से वो उनके बेटी को धमकियां भी देते थे। कई बार वरुण ने उनकी बेटी के साथ बदसलूकी भी की, सही तरीके से व्यवहार नहीं किया, जिसके चलते तमाम कई ऐसी समस्याएँ पहले भी हुई थी, लेकिन देवेंद्र शर्मा ने ज़्यादा उस पर पहले रिएक्ट नहीं किया, ताकि वो चाहते थे कि उनकी बेटी का घर बना रहे, लेकिन वो नहीं
नहीं जानते थे कि इस तरीके से वरुण इस हरकत को अंजाम देगा। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले में FIR दर्ज की जा चुकी है और अभी वरुण पुलिस की गिरफ्त में है। जिस शख्स ने वरुण को थैलियम मुहैया करवाया, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है कि थैलियम जो एक ऐसा जहर है जो कि स्लो पॉइजन का काम करता है, खतरनाक जहर है, वो आखिर वरुण को कहाँ से मिला। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है और ये वही घर है जहाँ पर उस दिन 31 जनवरी को वरुण पहुंचा था। वरुण ने पूरे परिवार के साथ कुछ घंटे भी बिताए, लेकिन वरुण ने किसी को भी ये शक नहीं होने दिया कि वरुण ने पूरे परिवार को मछली में जहर मिलाकर दिया है। और कई दिनों तक, या कहें कि 1 से 1.5 महीने तक परिवार को ये पता नहीं चल पाया, लेकिन अब फिलहाल वरुण पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस इस पूरे मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल, आरोपी वरुण अरोड़ा ने साजिश को अंजाम क्यों दिया? बताते हैं। पुलिस के मुताबिक वरुण अरोड़ा का अपने ससुराल वालों के साथ अक्सर झगड़ा होता रहता था और झगड़े की एक वजह का पता और चला है। वरुण और दिव्या के दोनों बच्चे शादी के 7 साल बाद IVF प्रोसेस से हुए थे, लेकिन पिछले साल ही दिव्या फिर से प्रेग्नेंट हो गई और डॉक्टर ने बताया कि बच्चे पैदा होने से दिव्या की जान जा सकती है, उसकी मौत हो सकती थी, जिसके चलते एबॉर्शन करा दिया गया। लेकिन इस एबॉर्शन से वरुण खुश नहीं था, क्योंकि उसको ये लगता था कि उसका होने वाला बच्चा उसके पिता के रूप में इस दुनिया में आने वाला है। दिव्या के परिवार में अब कोई नहीं बचा है, एक साजिश ने सब कुछ खत्म कर दिया। दिव्या के पिता ने हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा से अपना दर्द बयां किया। थैलियम नाम का जहर दिया था, जिसके बाद आरोपी की साली की 16 फरवरी को मौत हो गई, आरोपी की सास की 21 मार्च को मौत हुई और अभी आरोपी की पत्नी कोमा में है और आरोपी के ससुर देवेंद्र अरोड़ शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, क्या हुआ था पूरा मामला 31 जनवरी को जब आप लोग उनके घर गए, क्या हुआ था? उनके घर नहीं गए थे, वो हमारे घर आए थे। ऐसा है कि मेरी जो बड़ी बेटी है यहाँ रहने आई हुई थी और उसका पति, उस ये बहुत कम हमारे घर आता था, 3-4 महीने में कभी एक आध बार आए तो आए। ये इसकी, इसने अपनी पत्नी को फ़ोन किया कि मैं तेरे को घर से ले लूँगा, नहीं ज़्यादातर ये हाफवे पे आ जाता था जीके से और हम यहाँ से हाफवे पे जाके वो वहाँ से ले जाता था, ऐसे छोड़ देता था, हम यहाँ ले आते थे। लेकिन उस दिन ये कहने लगा कि मैं तेरे को घर से ही ले लूँगा, मैं एक बहुत ही बढ़िया फ़िश बनाकर ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बढ़िया फ़िश बनानी आती है, तुम सब लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। उसने ऐसा कहा और इसने दिव्या ने, जो उसकी पत्नी है, उसने मना भी किया, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दो। उसने लेकिन कहा नहीं नहीं बहुत बढ़िया बनाइए, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। और ये करीब 3-3:30 बजे के करीब फ़िश लेकर आया, जिसे दोपहर के वक्त में मैंने बहुत थोड़ा सा, मेरी पत्नी ने दिया था, मैंने बहुत थोड़ा खाया और फिश क्योंकि पड़ी हुई थी और बीच में इन्होंने भी शायद थोड़ा बहुत लिया था। और इस बीच में ये 3:30 बजे जाने वाला था लेकिन नहीं गया, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी, छोटी बेटी जो कि अपनी स्कूल फ्रेंड्स के साथ लंच पर गई थी, वो घर में नहीं थी। वो जब 5:30 के करीब आई है, उसके बाद ये व्यक्ति ने, और उसने भी कहा भी कुछ खाते हैं, तो उसने फ़िश दी और फिश के शायद बड़े पीसेस उसको दिए, या इसको नॉलेज था कहाँ ज़्यादा कुछ है गड़बड़, हमें अब तो पता नहीं था। तो ये उसने भी फ़िश खाई, मैंने भी खाई, मेरी पत्नी ने भी खाई, मेरी बड़ी बेटी ने भी खाई, पर इस शख्स ने बिल्कुल नहीं खाई। इसने कहा जी मेरे जबड़े में दर्द है, मैं लाफ्टर प्रोग्राम देख रहा था, मेरी नस खिंची हुई है, जबकि वह पूरे तौर पर तरीके से बात कर रहा था। हमें संदेह नहीं गया क्योंकि ये हमारे दलवाई है, चलो छोड़ पर। और उस दौरान ये शाम को 8:30 बजे गया, जानबूझ के रुक गया ताकि वो खाए मेरे सामने ये ना हो। तो ये जब खा लिया, इसने सब खा लिया, तो अगले दिन मेरी जो बेटी है 1 फरवरी को मंडे का दिन मेरे को कहती है पापा मेरे टांगों में बहुत दर्द है। मैंने कहा बेटा आज ऑफिस नहीं आइएगा, ठीक है? तो कहने का दर्द है बेटा, देख लो ठंड वंड है, शायद लग गई होगी। उसके बाद 2 तारीख को कहने लगी पापा बहुत दर्द है। मैंने, हम उसको अपोलो क्रेडल हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर इसके B12 विटामिन डी चेक कराए, साथ में उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी कर दिया टांग का, शायद कहीं क्लॉट ना हो जो इतना दर्द हो रहा है। तो उसकी रिपोर्ट का हम शाम तक इंतज़ार कर ले रहे हैं। जैसे ही हम शाम को घर में मैं पहुंचा तो कहने लगा पापा बहुत भयंकर दर्द है, मेरी नमनेस आ रही है, मेरे हाथों में भी नमनेस आ रही है, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है। और वरुण के घर से इस वक्त इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही गोनिका अरोड़ा इस वक्त अनीता के घर से हमारे साथ, दिव्या के घर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं।
कुमार सोनू, गिरफ्तारी वरुण की हो चुकी है, लेकिन क्या पता लग पा रहा है मोटिव क्या था, क्यों एक साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया? देखिए, जो पुलिस सूत्रों से हमारी बात हुई तो पुलिस का ये कहना था, पुलिस सोर्सेस का ये कहना है कि दरअसल जो वरुण था वो अपनी पत्नी और उसके ससुराल वालों से परेशान था। उसका जो उसने जो पुलिस को भी बताया, उसने ये कहा कि वो उसे ह्यूमिलेट करते थे, तो जिसके चलते वो लगातार परेशान था, ताने वगैरह दिए जाते थे, जिसको लेकर उसके मन में लंबे टाइम से ये चल रहा था कि वो पूरे परिवार बदला लेगा, और जिसके चलते उसने बाकायदा गूगल पर सर्च किया और सर्च करके ये जाना कि आखिर किस तरीके से किसी व्यक्ति को बीमार किया जा सकता है या उसे सिक किया जा सकता है, जिसके बाद उसे थैलीमिया का एक पूरा ऑप्शन उसमें देखने को मिला, जिसके बाद उसने वो खरीदा, परचेज किया। पुलिस सूत्रों का कहना है तकरीबन 22,000 रुपए में थैलीमिया खरीदा गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में वरुण को गिरफ्तार जरूर कर लिया, लेकिन वरुण जो ग्रेटर कैलाश पार्ट वन के इसी घर में रहता था अपने परिवार के साथ, यहां से कांच की शीशी भी पुलिस ने बरामद की है और यहीं से उसकी गिरफ्तारी हुई है, और उस कांच की शीशी में थैलीमिया को भी जो है रिकवर कर लिया गया है, दिल्ली पुलिस रिकवर कर लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुड़ी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बेहद चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर दिल्ली का एक बड़ा पॉश इलाका है ग्रेटर कैलाश, और काफी बड़े लोग जो हैं यहां पर रहते हैं, और ऐसे में एक व्यापारी के मन में किस तरीके से पूरी प्लानिंग आई, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया, तो ये बड़े सवाल है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले में उस शख्स की गिरफ्तारी होना बाकी है कि कहां से उसने वरुण ने वो थैलीमिया। कुछ और बातें आगे की इन्वेस्टिगेशन में कुमार जरूर पता लगेंगी, लेकिन गौनिका मैं आपसे जानना चाहूंगी, पिता से आपने बात की है, बयां करना उनका दर्द बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में उन्होंने सभी अपनों को खो दिया और बेटी अब कोमा में। जी बिल्कुल, जब हम देवेंद्र शर्मा से बात की तो वो इसी बात का बार बार जिक्र कर रहे थे कि उनका परिवार अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वो घर में अकेले हैं। दिव्या इस वक्त कोमा में है, जो उनकी बड़ी बेटी यानी कि वरुण की पत्नी है, और वरुण और दिव्या के दोनों बच्चे इस वक्त वरुण के ही घर पर वरुण की माँ के पास हैं, और उनका ये कहना है कि बच्चों को भी खतरा हो सकता है, इसलिए वो चाहते हैं कि बच्चों की कस्टडी जल्द से जल्द उनके पास दी जाए। और उनकी खुद की भी हालत इस वक्त ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि थैलियम हालांकि उन्होंने कम मात्रा में उसका सेवन किया था, लेकिन उनकी बॉडी पर भी का रिएक्शन हुआ है, उनके बाल झड़ रहे हैं, हालांकि उनके पैरों में सूजन है, पैरों में दर्द है, लेकिन अभी उनका इलाज चल रहा है, डॉक्टर्स उन्हें जो भी प्रिस्क्राइब दवाई है वो इस वक्त उन्हें दी गई है, और इस वक्त वो उस दवाई को ले रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी बॉडी में वो जहर अभी भी मौजूद है। वहीं दिव्या की बात करें तो देवेंद्र शर्मा का ये आरोप है कि दिव्या को सिर्फ एक बार नहीं, ऐसा लग रहा है कि कई बार वो जहर दिया गया, और दिव्या की बॉडी में काफी ज्यादा मात्रा में वो जहर है, जिसके चलते दिव्या इस वक्त वेंटिलेटर पर है, कोमा में है, और यही वजह है कि परिवार के हर सदस्य पर उसका असर भी हुआ। आप पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए रखें, आगे अपडेट लेंगे। शुक्रिया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।